अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। सर्दियों में सबको ही हलवे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं आज चने की दाल का हलवा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चने इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल और तकरीबन 2 कप के करीब मैंने दूध इसमें डाल के इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसको मैं पैन में डाल के तो थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ये दूध जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको पीसूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दाल को और दूध को मैं इस तरह पैन में डालने लगी हूँ और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। जैसे इसका दूध ड्राई होगा तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। थोड़ी थोड़ी गर्म होगी तो मैं इसको पीसूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ी देर इसका दूध ड्राई कर लूँ। ये चने की दाल मैंने पीस ली है और इसको चॉपर में मैंने डाल के पीस लिया था। और इसको इतना बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना, थोड़ी सी जरदरी से पीसी है। अब मैंने ऑयल उसी कढ़ाई में डाल दिया, तो अब मैं इसको उसमें फ्राई करूँगी अच्छी तरह। तो मैंने घी डाल दिया था देसी इसमें कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने इसको बॉयल किया था दाल को थोड़ा सा। तो अब मैं इसमें अच्छी तरह इसको भून लूँगी। मैं उस वक्त तक इसको भूनूँगी जब तक दाल का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बिल्कुल हल्की आग के ऊपर मैं इसको भूनती रहूँगी। इसमें मैं 1 इलायची डालूंगी। मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, तो अभी भी ये नहीं सही तरह से जैसे मुझे इसका गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए वैसे अभी नहीं हुई। अभी इसको मज़ीद मैं 10 मिनट इसी तरह भूनती रहूंगी और कंटिन्यू इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूंगी। इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना, बस इसको ऐसे हिलाते रहना। और ये मैं दानेदार सी बनाऊंगी, बहुत मज़े की बनेगी। मतलब ये बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं मैंने इसको पीसा, तो ये जो कुछ दाने नज़र अंदर आ रहे हैं ये जब मैं इसमें दूध डालूंगी तो ये भी साफ उसके अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। 10 मिनट में इसको मज़ीद ऐसे भूनती रहूँ। मुझे दाल को भूनते हुए मज़ीद 10 मिनट हो गए, तो अब ये देखें कैसे ये इकट्ठी होना शुरू हो गई। कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। 2 से 4 मिनट इसको मैं मज़ीद भूनूंगी तो फिर मैं इसके अंदर दूध डालती हूँ। अब मैं इसमें ये 2 इलायचियाँ डालूंगी और ये 1.5 कप के जितना ये दूध है ये डाल दूँ। तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो जब ये दूध ड्राई होगा तो फिर उसके बाद मैं ड्राई मिल्क इसमें डालूँगी। अच्छे से इसके साथ पका लो। मैंने दूध डाल के इसको कवर कर दिया था और उसको दरमियान में हिलाती भी नहीं थी। और जैसे इसका दूध ड्राई होगा तो फिर इसमें मैं ड्राई मिल्क भी डालूंगी और चीनी भी डालूंगी। दूध अच्छे से ड्राई हो गया और अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये 1/2 कप के करीब इसमें चीनी डालूंगी। 1/2 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसको मैं ऐसे भूनती जाऊंगी। अभी ये जब तक घी नहीं छोड़ता तो मैं इसको ऐसे भूनती जाऊंगी। ये देखें हलवा हमारा इस पैन में इकट्ठा होना शुरू हो गया है और ऑयल भी तकरीबन ऊपर आता जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई मिल्क डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो पहले मैं इतना डालूंगी इसको मिक्स करके, फिर बाकी का डाल दूंगी। ये देखें हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है ये, और ये पैन में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इसको यहाँ पे आके मैं डिश आउट कर लूँगी। और इसने ये देसी घी जो मैंने डाला था वो उसने छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने, तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चने की दाल का हलवा बन के तैयार हो गया। मैंने ऊपर से ये बादाम और थोड़ा सा खोया डाल के इसको गार्निश कर लिया है। और आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।